और अन्य सोसाइटी से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों आज जो आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा की है। सारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय समेत 11 पर FIR। तो दोस्तों यहाँ पर NCR की बड़ी अपडेट ग्रेटर नोएडा की, सारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय समेत 11 पर FIR। अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में निवेशक ने सुब्रत राय सहारा समेत कंपनी के कई लोगों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत का आरोप लगाया है। दादरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारा समूह संस्थापक सुब्रत राय समेत उनकी कंपनी के 11 अफसरों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। सहारा ग्रेटर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा किया गया पैसा वापस नहीं मिलने पर यह केस दर्ज हुआ है। अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में निवेशकों ने धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत का आरोप लगाया। दादरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दादरी के हनुमानपुरी रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कांता देवी पत्नी रतनलाल ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा जमा किया था। कांता देवी ने 26 अप्रैल 2014 को 20,000 रुपये और 26 जुलाई 2018 को 1,80,000 रुपये FD के रूप में जमा किए था। अवधि पूरी होने के बाद कांता ने पैसों के लिए एजेंट से संपर्क किया तो कांता देवी ने कंपनी के एजेंट PK शर्मा के साथ कर्मचारी सैनी व गणेश से भी मुलाकात की, इस पैसे वापसी दिलाने का अनुरोध किया। कांता का आरोप है कि इन लोगों ने उसे धमकाया और भगा दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह पुलिस के पास गई, रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उनकी रिपोर्ट नहीं ली और तो कांता ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत को पूरी जानकारी दी। कांता देवी ने बताया कि इन लोगों ने दादरी कार्यालय से बाहर मुलाकात हुई, जमाधन वापसी मांगी लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। कांता ने बताया कि लोगों ने ठग गिरोह बना रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दादरी पुलिस कोतवाली को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद दादरी कोतवाली पुलिस ने शनिवार को सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय समेत 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इस दर्ज रिपोर्ट का मुकदमा दादरी पुलिस ने सहारा इंडिया परिवार के निदेशक सुब्रत राय सहारा और उनके परिवार निदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव और सहारा इंडिया परिवार के निदेशक मधुकर, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक सतीश कुमार सिन्हा, सहारा इंडिया के निदेशक समरीन जैदी, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक जनार्दन सिंह, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक बबीता चौहान सिंह, एजेंट PK शर्मा, सहारा क्रेडिट सोसाइटी के कर्मचारी जय सिंह सैनी, प्रशांत व गणेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो दोस्तों ये 11 अभियुक्त हैं और देखना यह है कि यहाँ पर क्या कार्रवाई चलती है। और ये बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए थे ये NCR नोएडा ग्रेटर नोएडा की थी। और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय जय भारत।